पापा घर से गए। वहां जाते ही पता चला कि मेरे पापा मेरे उनको अब वो तो बकरी तरह काट कर सुला दिए गए, तो अब कार्रवाई करिए क्या होगा। हम यही चाहते हैं, अगर उसे इंसाफ मिलेगा तो हमें इंसाफ चाहिए। और मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, मेरी मानसिक संतुलन। अगर वो चाहता है कि मेरे पूरे फैमिली को फांसी हो, तो हम भी चाहेंगे उसे पूरे फैमिली को फांसी हो। जो भी बच्चा है उसको फांसी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला गांव में सोमवार की सुबह हुए खूनी संग्राम के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दरअसल गांव की जमीन को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार की सुबह विवाद में प्रेम यादव की हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रेम यादव के परिजनों और लोगों की भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे समेत परिवार के 5 लोगों को मार डाला। प्रेम यादव समर्थकों ने बेरहमी से हत्याकांड को अंजाम दिया, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। भयावह हत्याकांड से देवरिया ही नहीं पूरा प्रदेश दहल गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन और सरकार के अधिकारियों को मौके पर जाकर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई में करीब 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस बीच सत्यप्रकाश दुबे के बच्चे एक बेटे ने प्रेम यादव के सभी परिजनों को फांसी देने की मांग की है। पहले आपको सुनाते हैं सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने क्या कुछ कहा। आबादी जमीन पे उनके जो मकान है ढह क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ तक छह बुलडोजर खड़े हैं। आखिर किस समय के लिए वो खड़े हैं, यहाँ तक कि मेरे भी जो सरकारी जमीन में मकान है उसको भी ढहवाया जाए और उसको भी ढहवाया जाए। यही अपने बाड़ी को विराम देता हूँ और मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहीं अब सत्यप्रकाश दुबे परिवार हत्याकांड के बाद चर्चा में आया प्रेमचंद यादव के परिवार ने पलटवार किया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की बेटी अलका यादव ने कहा कि पापा के पास सोमवार की सुबह कॉल आया था। पापा घर से बाइक लेकर उनके घर पहुंचे, वहां उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। मैं चाहती हूं, अगर उनका बेटा इंसाफ की मांग कर रहा है, उनका बेटा चाहता है कि सबको फांसी हो, तो मैं भी यही चाहती हूं कि सभी को फांसी हो। पापा घर से गए, वहां जाते ही पता चला कि मेरे पापा मेरे उनको मार दिए। उनकी पहले से प्लानिंग थी कि वो आएंगे, उस हम ऐसा कुछ करेंगे। वो लोग पापा मेरे बाइक अपने खेत के पास रखे थे और वो लोग बाइक पापा के ले गए अपने घर के पास। पापा मेरे बाइक लेने जैसे गए, उनके पीछे सवार कर दिए लोग। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं, अगर उसे इंसाफ मिलेगा तो हमें इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? अगर वो चाहता है कि मेरे पूरे फैमिली को फांसी हो, तो हम भी चाहेंगे उसे पूरे फैमिली को फांसी हो। जो भी बच्चा है उसको फांसी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका यादव है। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर के लेहड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर सोमवार को हुए नरसंहार के बाद सन्नाटा पसरा है। गांव में लोग एक दूसरे से बात करने से भी बच रहे हैं। पुलिस और पीएसी के जवान गांव में लगातार गश्त कर रहे हैं। वहीं गांव के ज्यादातर लोग गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने परिजनों के पास चले गए हैं। पूरे गाँव में अभी तक इस हत्याकांड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब कहीं न कहीं एक बार फिर दोनों ही परिवार की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।